Jesse. और ये आ गई हमारी माँ आज घर। क्या चल रहा है तैयारी? वाह, आते ही ड्यूटी पर लग गई अपना। कलर ऐसा ही है, बोलती है बहुत गंदा है, खोलो। क्या गंदा कलर है इसका? नहीं, कलर नहीं, इसका कलर ऐसा ही है। हम बोले इसका कलर बोलती है ना, बहुत गंदा है। आज माँ आई है और हमारा भाई जो है विदा होने की तैयारी कर रहा है। रास्ता घर कहीं जाएगा, वैसे कैसे जाएगा? तो इस बार अच्छा खासा समय मिला साथ में बिताने का। वरना कभी घर भी जाते थे इसके, गए हैं कितना बार, दो बार गए हैं, तो एक दिन गए हैं और फिर निकलना हो गया है। नाश्ता देना है कि नहीं? नौ बज गया है, पेट में चूहा कूद रहा है। पेट में चूहा दो मिनट पहले खाने के बाद, 2 मिनट बाद जल्दी से नाश्ता दो हमको। ठीक है, वो क्या है? सिंघारा है दूर से? नहीं, कौन सा? लाल वाला साग है, नाम नहीं मालूम है उसका। घनारी साग, घनारी साग। पहले चाय बनाएगा लोग तो पहले घनारी साग बनाएगा। बस खाली पूछ रहे थे कौन सा साग है, उसके बाद तब खाना पीना तो एक के दिन पहले धूप कौन सा पहना है? कुछ दिन अगर खींचना है तो खींच दो। सारा पैंट पहनती हूँ, एक दो स्वेटर, एक दिन में 4-2 स्वेटर पहनते हैं। जाते समय एक्स्ट्रा सामान हो गया एक क्रिकेट किट। इधर जो है माँ और जिया मिलकर साग बनाने की तैयारी कर रही हैं। घर में सभी को साग बहुत ज़्यादा पसंद है। और उधर जो हम अपने भाई को कहे चलो आज तुमको एक जगह लेकर के चलते हैं जहाँ हम रेगुलर जाते रहते हैं, तो यहाँ पर हम भाई को भी आज पूरी दाल खिलाने के लिए आ गए। दरबार हमेशा खुला है, जब भी खुशी हो, जब तक मामा मामी जिंदा है या भाई, तब तक आपका स्वागत है। खाली रिश्ता बना के रखिए, बिगाड़ने में भरोसा नहीं है, कोई कुछ के उस पर ध्यान नहीं देगा। आप अपनी आंख से क्या देखे उसी पर आपको दिल करेगा। कोई कमी? जी भाई को तो छोड़ दिया, अच्छा खासा दिन रह गया था और घर में लग रहा था कि थोड़ा चहल पहल है, पर वो चला गया। किसी से जो है ना मिलना बहुत अच्छा लगता है, जब कोई घर में आता है अच्छा लगता है, कुछ दिन रहता है, समय बिताता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जो सबसे टफ पार्ट होता है ना, वो ये टाइम होता है जब वह चले जाता है, जब वह विदा होता है, वो सबसे टफ पार्ट होता है। मेरी क्रिसमस, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं जी आप सभी को। आज है क्रिसमस और हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट में ही दो चर्च है, तो दोनों चर्च जाते हैं और वहां पर अपना कैंडल जलाएंगे और देखते हैं कुछ घूमने फिरने लायक रहा, मार्केट में माहौल रहा तो वहां भी घूम लेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। बिल्कुल जी, हम बोल रहे थे यही कम्प्लीट करते, ठीक है जी चलते हैं। All of them together until we couldn't go to sleep. जी हम पहुंच गए हैं चर्च और यहाँ तो अच्छा खासा मेला लगा हुआ है, तो अब हम लोग जो है अंदर जाते हैं और कैंडल जलाते हैं। ले लो ले लो। और यहाँ जो है जिया अपना आगे आगे जा रही है चर्च की तरफ, और रास्ते में जो ये हमें दिख रहे थे चाट, गोलगप्पे, झालमुड़ी, जी इतना मन कर रहा था खाने का, और इनका देखते ही मन करता है खाने का, कुछ भी देख लेंगे और बोलेंगे मुझे खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये लोग हमें खाने ही नहीं दे रहे थे। डॉक्टर ने साफ मना किया कि बाहर का कुछ नहीं खाना, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं। जी जिया को ड्यूटी दे रखी थी माँ ने कि इसको ध्यान रखना कुछ नहीं खाए, और अगर कुछ खाए तो घर में आकर के बताना, तो अब कैसे खाता जी बंदा बताइए।
हो गया जी, हमने तो गला क्या कैंडल, और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और चलते हैं दूसरे वाले तरफ। और जी अंदर इतनी ज्यादा भीड़ की जिम है, पहले क्या था कि लोग अंदर जलाते थे जाकर, इस बार जो है गेट के पास ही सभी जला रहे हैं, जगह छोटा सा, लोग ज्यादा अंदर सभी जाते थे, अच्छा खासा कैंपस था अंदर। चलो चल फिर जी, हम लोग निकल लिए दूसरे चर्च के लिए। और जी जब हम वहाँ चर्च की ओर जा रहे थे, दूसरे चर्च की तरफ जो कि बेथेल मिशन स्कूल है उसी में एक चर्च है, तो हम लोग जब वहाँ गए तो भीड़ देखे जी, और जी जाम इतना जबरदस्त जाम था, हम तो पछता रहे थे कि बाइक से क्यों आ गए, हमसे तेज तो वहाँ जो पैदल वाले थे वो हमसे पहले चर्च पहुँच गए होंगे। और जब वहाँ पहुँचे वहाँ भी चर्च का गेट नहीं खुला था, लगता है कोविड की वजह से बंद कर दिया गया जैसा कि पहले चर्च में था। तो हमने कहीं पर जगह देखा और किसी तरह से बाइक को पार्क में लगाया, फिर जी यह कैंडल खरीद ली और हम लोग निकल लिए चर्च की तरफ। फिर जी वहाँ भी कैंडल जला लिए और प्रेयर कर लिए, और जब लौटने लगे तो फिर वही जहाँ वही भीड़ उससे हमें निकलना था, और जब निकले निकल तब देखिए और लग रहा है कि कितनी बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। सुकून मिल गया, सुकून जी एकदम आगे खुला खुला, तरस गए थे इस खुले माहौल के लिए। और जी जब वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में ही दुर्गा मंदिर पड़ता है, हम लोग दुर्गा मंदिर में रुक गए और वहाँ माता का आशीर्वाद ले लिए। फिर जी दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग निकल लिए, और जब निकल रहे थे तो रास्ते में दिख गया यह पेड़ सजा हुआ, जो कि कटिहार में शायद इकलौता जगह दिखा जहाँ की क्रिसमस को लेकर के कुछ सजावट दिखी, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो जी हमने जला लिया चर्च में कैंडल और आ गए हम अपने घर, और अब जो है इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।